में दिल्ली प्रदेश के अंदर बरसों से काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, और आज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय सीपी सिंह जी, आइए हम इनसे जानेंगे। सर, आज महापरिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का, आज इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं आम जनता से? आज बाबा साहब का 62वां महापरिनिर्वाण दिवस है, इस मौके पर मैं तो यही अपील करूँगा कि हमें बाबा साहब को समझना चाहिए, खासकर नौजवानों को समझना चाहिए कि जब तक हम बाबा साहब की बात को नहीं मानेंगे, जो उनकी चाहत थी, किस देश में पॉलिटिकल पावर वो मास्टर चाबी है जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं, और उन्होंने जाते जाते इशारा ही पार्लियामेंट की तरफ किया कि कैप्चर दिस टेंपल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन, सत्ता के उस मंदिर पे गरीबों कब्जा कर लो जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है। आज यदि मैं इस यहाँ प्रांगण में खड़ा होकर राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र में यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये सत्ता की देन है। यदि हमारी सरकार नहीं बनती तो ऐसे भव्य स्मारक हम लोग नहीं बना सकते थे। चार बार सरकार बनी और उन्होंने इस बात को साबित किया कि आज तक जिन लोगों की हमने सरकारें बनाई हैं, उन लोगों ने हमारे समाज को कभी सम्मान देने का काम नहीं किया, ना ही हमारे महापुरुषों को सम्मान दिया। तो उस आधार पर हमने जब सरकार बनाई, हमारी नेता ने सरकार बनाई, तो ये देखने को मिलता है। मेरे एक NRI दोस्त आए, उन्होंने जब इसको देख कर गए तो उन्होंने कहा, यार आपके समाज में इतनी मतलब जबरदस्त नेता बैठी है, मैं पूरा विदेश घूम लिया हूँ, ऐसी सोच, ऐसी मतलब जो उनका वो नहीं देखा मैंने जो उन्होंने निर्माण कराया है। यदि काश वो मेरे समाज में पैदा होती तो मैं देवी बना देता उनको, मगर आपके लोग आज भी उनको गाली बकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अभी बाबा साहब के मूवमेंट को नहीं समझ पा रहे ज़्यादातर, दूसरे लोग समझे हैं तो हमें उस मूवमेंट को समझना चाहिए, उसके आधार पर काम करना चाहिए। सर, अभी कुछ दिन पहले जैसे कि मालूम है कि बाबा साहब का 6 दिसंबर में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, एक कवि और एक वो अपने आप को PhD होल्डर हैं डॉक्टर कुमार विश्वास ने बाबा साहब के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी की। देखो, ये दूषित मानसिकता तो चल रही है और उनकी चलेगी, क्यों चलेगी? जब उनको नुकसान होगा तो वो उनकी बौखलाहट है कि आज इस देश के अंदर अंबेडकरवाद को जिंदा करने वाले लोग हैं, आज उनकी बात को मानने वाले लोग हैं, तो जो जब बाबा साहब का मूवमेंट बढ़ेगा तो उनको तो बौखलाहट होगी, तो उनका वो बौखलाहटपन दिखाता है कि जो कुछ उनको नहीं मिलना चाहिए था वो बाबा साहब की मेहरबानी से मिल रहा है, तो वो किसी भी तरह लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। तो इस तरह की टिकट टिप्पणी करना उन्होंने की है, तो यदि की है तो मेरा उनसे वो है कि वो बाबा साहब को पहले जाने, उसके बाद कम से कम बोले। सर, अब आप इस प्रेरणा स्थल से आवाम को क्या अपील करना चाहते हैं, बहुजन समाज को क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो यही चाहूँगा कि हम लोग बार बार सरकारें बनाएं, जो हमारे महापुरुषों की चाहे पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगाएं, चाहे रविदास जी, उन्होंने भी कहा ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोड़ बड़े संबंध रविदास प्रसन्न रहे प्रसन्न। यही बाबा साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी वोट के अधिकार दिलाने के लगाई, यही कांशीराम साहब ने कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, आज बहन जी अपनी ज़िंदगी को लगा रही हैं। तो जब तक हम लोग राजा नहीं बनेंगे, शासक नहीं बनेंगे इस देश के अंदर, तब तक हमारा भला होने वाला, इस समाज का भला होने वाला नहीं है। इसलिए हमें राजा बनना ही होगा, ये जिद करनी होगी कि यदि ये लोग राजा बन सकते हैं हमारी वोट से, तो इस वोट का इस्तेमाल हम अपने लिए क्यों ना करें, और ये अपने लिए करके हम लोग एक छोटे से एक राज्य में सरकार बना सकते हैं तो पूरे देश के अंदर सरकार बन सकती है। तो इसके लिए मतलब हमें प्रेरित करना चाहिए और वो उनको प्रेरित होना चाहिए, अपने इतिहास को जाने और उसके बाद फिर इतिहास को लिखें। सर, एक देखा गया है कि जब कभी ऐसे वो तिथियां आती हैं जैसे 14 अप्रैल है या 6 दिसंबर है, तो पब्लिक आती है, बाबा साहब के नारे लगाती है, बाबा साहब अमर रहे अमर रहे, फिर इस प्रांगण से निकलने के बाद में फिर वो बाबा साहब नज़र नहीं आते, ये क्या कारण है? ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि बाबा साहब को हम लोग श्रद्धा तो करते हैं, मगर इस देश की 70 साल की सरकार ने हमारे लोगों के पेट को खाली रखा है। 5000 साल तक हम लोग गुलाम रहे हैं तो उनका पेट खाली है, वो लोग अपने पेट के लिए मतलब ना दिन रात काम करने में लगते हैं। अब ये सोच बढ़ रही है लोगों की कि वो लोग बाबा साहब को भी मान रहे हैं और बाबा साहब की विचारधारा को भी आगे बढ़ा रहे हैं, मगर क्योंकि लोग हैंड टू माउथ हैं, वो उनको कमाना है खाना है, तो वो पहले नंबर पर खाने और कमाने को देख रहे हैं। अभी जिन लोगों ने बाबा साहब की मेहरबानी से थोड़ा राहत पाई है तो वो लोग मैदान में निकले हैं, और उसका परिणाम है कि देश में 4 बार सरकार बनी है और आगे भी इस देश का मूवमेंट चल रहा है और चलेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। बाबा साहब।